सर पढ़ाई सिर्फ दो वजह से की जाती है, पहला शौक से, दूसरा डर से। फालतू का शौक हम कोड़ियां वाले पालते नहीं और डरते तो किसी के बाप से। का नाम हाथी है। बैठो बैठो बैठो।
शाबाश। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा बाबू चलो आज संगीत का क्लास करते हैं, ठीक है? यस सर। चलो नीरज जी सर एक गाना सुनो। सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुभेला कमरिया में। अबे ये क्या रहा है? सूट सलवार रजाऊ सूट सलवार रजाऊ पैंट जींस पहन नहीं पा रहे सूट सलवार रजाऊ। सर एक सवाल पूछ है। हाँ हाँ पूछो। सर हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? हाथी कैसे फ्रिज में जाएगा बे? सर फ्रिज बहुत बड़ा है तो फ्रिज को खोलेंगे और हाथी को रख देंगे। अच्छा सर एक और सवाल पूछे। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? फ्रिज को खोलेंगे और गधे को ले जाके रख देंगे। फिर गलत जवाब सर। सर फ्रिज को खोलेंगे और हाथी को बाहर निकाल कर तभी ना गधे को अंदर डाल रखेंगे। दर्द दिखा रहे हो तुम लोग? सर एक और सवाल पूछे। सर ये बताइए जंगल में बंदर की बर्थडे पार्टी में सभी जीव जंतु जानवर आए हैं परंतु ऐसा कौन सा जानवर है जो नहीं आया है? अबे शेर नहीं आया होगा। अगर शेर आता तो सभी को खा जाता। फिर गलत जवाब सर। सर गधा नहीं आया है क्योंकि गधा को तो हम लोगों ने फ्रिज में बंद कर रखा है। सर गधा पार्टी में नहीं आया क्योंकि गधे को हम लोगों ने फ्रिज में बंद कर रखा। आप रास्ते में जाते हैं एक नदी पड़ती है। हाँ बोलो। उस नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहता है और उस नदी को पार करने के लिए पुल नहीं बना था। आप कैसे पार करेंगे? अबे और मैं नाव लेकर पार करूंगा और कैसे पार करूंगा? सर इतनी जल्दी आपको नाव कहाँ से मिल जाएगी? सर नदी तो आप तैर कर भी पार कर सकते हैं। मगरमच्छ कौन बचाएगा? तेरा बाप बचाएगा। अरे सर आपकी इतनी फटती क्यों है? आपको अच्छे से पता है कि बंदर की बर्थडे पार्टी में मगरमच्छ भी तो गया होगा। मास्टर तो मारते ही है, स्टूडेंट भी मारते हैं हमको।